मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको। दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना। प्रसन्न होकर हमें शक्ति का वरदान दे दिया। अब हम शक्तिशाली हो गए हैं। हमें किसी का भय नहीं। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। हमारी इच्छा के बिना हमें कोई नहीं मार सकता। तो फिर ये जल के जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मित्र, एक काम करते हैं, हम जल के अंदर उतरकर इन भयानक जीव जंतुओं के बीच जाकर मां शक्ति के दिए हुए वरदान की परीक्षा लेते हैं। हाँ मित्र, चलो चलो। कैठा
हाँ मित्र मधु, अरे हम तो सचमुच शक्तिशाली हो गए। हाँ मित्र, हमने जल के इतने भयानक जंतु को मार गिराया। हाँ मित्र, अब जल का कोई भी जीव हमारे सामने आने का साहस नहीं करेगा। हाँ मित्र, अब हमें इस दान में निवास नहीं करना चाहिए। कहते हो बंधु, अब हमें कोई उत्तम स्थान चाहिए। उत्तम स्थान? ठीक कहते हो मित्र, क्यों ना इस सोए हुए विष्णु को हटाकर इस शेषनाग की शैया पर अपना अधिकार कर ले। हाँ, बड़ा ही उत्तम विचार है बंधु, आओ। ये कितनी चिकनी चिकनी और कोमल शैया है, सोते ही नींद आ जाएगी। हाँ मित्र, अब हमारा निवास दान में नहीं इस सुंदर शेषनाग शैया पर है। परंतु मित्र, ये तो अभी तक गहरी निद्रा में सो रहा है। हाँ, इसे जगाकर यहाँ से हटने को कहते हैं। हाँ, ए विष्णु, जागो निद्रा से, उठो यहाँ से, अब तुम्हारे स्थान पर हम रहेंगे यहाँ। अगर तुम नींद से नहीं जागे तो हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। रुक जाओ, तुम लोग किस नीच प्रकृति के हो? मेरे जिस स्वामी के कानों में तुमने आश्रय लिया, उनके प्रति तुम्हारा ये दुर्व्यवहार, यदि मुझे ये ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी उस भयानक जलचर से न बचाता। यदि अब तुमने मेरे स्वामी की योग निद्रा में बाधा डालने का प्रयास किया तो परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। अरे जाओ, पहले हम दुर्बल थे, शक्तिहीन थे, किंतु अब हमारे पास अपार शक्ति है। देखो हम किस प्रकार तुम्हारे स्वामी को इस सुंदर शैया से उठाकर सागर में फेंकते हैं। अरे मित्र, ये तो अग्नि की वर्षा कर रहा है। हाँ मित्र, इसके पास भी शक्ति है, इसे हम बाद में निपटेंगे। चलो कोई और स्थान ढूंढते हैं। हाँ मित्र, ये उचित रहेगा। वो देखो मित्र, वो ऊपर है ना, देखने की वस्तु। सबसे कहा मित्र, ये तो उससे भी उत्तम स्थान है। चलो वहीं चलते हैं। आ, चलो इससे तो बाद में निपटेंगे। शक्ति, यह आपने क्या किया? आपने दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। महादेवी, मैं माता हूं, मेरी संतान जब भी मेरा आह्वान करेगी मुझे जाना होगा। वो मुझसे जो भी वरदान मांगेगी मुझे देना पड़ेगा। मेरे लिए तो देवता, दानव सभी एक समान है, सत्य है। किंतु हे माँ शक्ति, आपने इस वरदान का परिणाम सोचा है? वो दोनों दैत्य मधु और कैटभ अपने ही जन्मदाता पर आक्रमण कर बैठे। यदि शेषनाग ना होते और भगवान विष्णु की योग निद्रा टूट जाती तो अनर्थ ही हो जाता। किंतु हे आदि शक्ति, अब वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। महादेवी, मैंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, क्योंकि उनकी इच्छा सही सही उनकी मृत्यु तो अवश्य होगी। और हे महादेवियों, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा के अंश हैं। हे माँ शक्ति, उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं है,
और शस्त्र के बिना ऐसे दो शक्तिशाली दैत्यों का सामना वो कैसे करेंगे? आप चिंतित ना हो महादेवी, मैंने उन दोनों दैत्यों को शक्ति दी है, किंतु शक्ति के साथ साथ मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। यदि उन्होंने शक्ति का अनुशासन भंग करने का प्रयास किया तो शक्ति मेरा स्वरूप है, शक्ति मेरी आज्ञाकारिणी है। मैं जिस किसी को भी शक्ति देती हूँ उसके पास वो मेरी धरोहर होती है। जो भी मेरी इस धरोहर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं अपनी ये धरोहर उससे छीन लेती हूँ। शक्ति मेरे लिए एक ऐसी डोरी है जिसका एक ही छोर है, और वो छोर मैं जब चाहूँ खींच लेती हूँ। प्रारंभ चाहे किसी के भी हाथ में हो, अंत मेरे हाथ में है। अब आप देखती जाइए कि ब्रह्मलोक में क्या होता है। मधु, ये अकेला व्यक्ति इतने बड़े स्थान में और इतने सुंदर आसन पर बैठा है, और इसके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हाँ मित्र, ये स्थान हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। यदि ये स्थान हमने अपने अधिकार में कर लिया तो कुछ दिनों पश्चात हम विष्णु से शेषनाथ का आसन भी छीन लेंगे। क्यों ना इसे उठाकर सागर में फेंकते हैं? नहीं मित्र, पहले इसे हम जगाते हैं। यदि यह हमारे साथ युद्ध करने को तैयार हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। ठीक है, अभी जगाता हूं। देखने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है, इसे सताने में बड़ा आनंद आएगा। हे, उठो! अरे सुना नहीं तुमने? तुमसे कह रहा हूं, उठो। कौन हो तुम दोनों? आदर से बात करो, उठो, हमें प्रणाम करो, फिर हमारे साथ युद्ध करो। तुमसे युद्ध करूं? क्यों युद्ध करूं? पहले अपना परिचय तो दो। पहले तुम अपना परिचय दो। मैं? मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूं, ये मेरा लोक है, मैं भाग्य विधाता हूं। भाग्य विधाता? अब हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। ये लोक तुम्हारा था, अब हमारा है। आसन से नीचे उतरो और हमारे साथ युद्ध करो। मैं कैटब और ये मधु है। ये समय मेरे ध्यान का समय है, इसलिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। जाओ। हे स्वामी, ये दानव भगवान विष्णु के कानों से निकले हैं, इसलिए इनसे युद्ध करना व्यर्थ है। आप शीघ्र भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, वे ही इन दुष्टों का संहार करेंगे। पूछता हूं, आसन से नीचे उतर के हमारे साथ युद्ध करोगे या नहीं? अवश्य करूंगा, किंतु मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी से परामर्श करके आता हूं। सुना मित्र मधु,
ये हमसे समय मांग रहा है, क्या करें? इसे समय दे दो मित्र। यदि ये भाग गया तो? यदि ये भाग गया तो ये लोक हमारा हो जाएगा, स्थान हमारा हो जाएगा, और यदि ये युद्ध में हमसे मारा गया तो भी ये स्थान हमारा होगा। इसे समय दे देना चाहिए मित्र। ठीक, सुनो, क्या नाम बताया तुमने अपना? अरे हाँ, ब्रह्मा। जाओ, हम तुम्हें एक प्रहर का समय देते हैं। बड़ा उपकार किया आप दोनों ने। शेष की सैया पर निवास करने वाले, आंखें खोलिए और देखिए मेरे साथ क्या अन्याय होने जा रहा है। हे वासुदेव, मेरे धैर्य की परीक्षा न लीजिए। मधु और कैटब नाम के दो दैत्यों ने मेरे ब्रह्मलोक पर अपना अधिकार कर लिया है और वो दोनों मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। फिर से लोकीनाथ, आदि शक्ति ने आपके समक्ष मुझसे कहा था कि जब भी मुझ पर कोई संकट आएगा आप मेरे रक्षक होंगे। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके पास आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे पालनकर्ता, मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मैं आपकी शक्ति सरस्वती आपको इस संकट में नहीं देख सकती। इस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में है। आप आदि शक्ति का आह्वान कीजिए, क्योंकि आदि शक्ति ही योग निद्रा है जो भगवान विष्णु के नेत्रों में विश्राम कर रही है। हे आदि शक्ति, आपके आदेशानुसार ही भगवान विष्णु के समक्ष अपनी रक्षा के लिए खड़ा हूं। वो विष्णु जो सारे संसार के अपने रक्षा कवच के अंतर्गत रक्षा करते हैं, यदि आपने इनको निद्रा के वश में कर दिया तो मेरी क्या गति होगी? आप निद्रा बनकर इनके नेत्रों में विराजमान हैं, मेरी रक्षा कीजिए। इनके नेत्रों से बाहर आ जाइए, क्योंकि वो दोनों दैत्य किसी भी समय यहां आ सकते हैं। मेरी रक्षा कीजिए आदिशक्ति, रक्षा कीजिए।
प्रजापति आप? आपके मुखमंडल पर चिंता की ये रेखाएं कह रही हैं कि आप किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। आपने सत्य कहा पद्मनाभ, दो दानव मधु और कैटभ मेरे ब्रह्मलोक में आ गए और उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। क्या? हाँ त्रिलोकीनाथ, वे दोनों मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। माता आदिशक्ति ने मुझसे कहा था कि संकट के समय मैं आपसे सहायता मांगूं, मेरी रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ। चलिए ब्रह्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं।